से गोविंद अड्डा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। 11th की बायोलॉजी क्लास में हमने पिछली क्लास में देखा था कि ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं। वनस्पति जगत तीसरा लेसन हमने स्टार्ट किया हुआ है और हम वनस्पति का वर्गीकरण देख चुके हैं, शैवाल के कैरेक्टर देख चुके हैं, ब्रायोफाइट के कैरेक्टर देख चुके हैं। आज हम देखेंगे टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। टेरिडोफाइट्स के सामान्य लक्षण हमने देखे हैं। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो सबसे पहले संवहनीय ऊतक वाले पौधे हैं जो स्थल पर पाए गए थे। सबसे पहले संवहनीय ऊतक वाले पौधे कहाँ पे पाए गए थे? स्थल पे। यानी ये कैसे होते हैं? स्थलीय होते हैं। स्थलीय होने के अलावा ये जल में भी पाए जाते हैं। कुछ पौधे जीरोफिटिक यानी के मरुद्वीप भी होते हैं, जहां पे जल की कमी पाई जाती है वहां पे भी मिलते हैं। तीनों प्रकार की जगह पे मिलते हैं और यही पहले पौधे हैं जिनमें संवहन ऊतक मिलता है। ब्रायोफाइट्स में और शैवाल में हमने देखा था वहां पर कोई भी संवहन ऊतक यानी कि वैस्कुलर बंडल्स कहीं पे भी नहीं थे। वैस्कुलर टिश्यू वहां पर प्रेजेंट नहीं थे। वैस्कुलर टिश्यू का मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम? जाइलम और फ्लोएम की बात कर रहे हैं। ये क्या होते हैं? संवहनीय ऊतक होते हैं। तो ये सबसे पहले स्थलीय पौधे हैं जिनमें क्या पाए गए थे? संवहनीय ऊतक पाए गए थे। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स होते हैं टेरिडोफाइट्स को। ठीक है, एक जो इनमें पत्तियां होती है वो होती है किसी तरह की फीडर्स लाइक लीव्स होती है। फीडर्स लाइक लीव्स इनमें पाई जाती है यानी कि पंखों की तरह की पत्तियां इनमें पाई जाती है। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर क्या है कि इनमें जो सेकेंडरी ग्रोथ जो पौधों में मिलती है, जो हमारे आसपास जो पौधे होते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ मिलती है, लेकिन टेरिडोफाइट्स में सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि द्वितीयक वृद्धि नहीं मिलती, अनुपस्थित होती है। क्यों अनुपस्थित होती है? क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होती। जिन पौधों में संवहन ऊतक में कैम्बियम मिलेगी वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। ठीक है, तो ये कैम्बियम आगे के जो हम देखेंगे ग्रुप्स आवर्तबीजी पौधे वहां पे जाके हमें ये दिखाई देगी। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो संवहनीय पौधे होते हैं कैसे होते हैं? बीज रहित होते हैं, यानी ऐसे पौधे हैं जिनमें बीज नहीं बनते। अब तक बीज बनने की शुरुआत नहीं हुई है, सिर्फ यहाँ पर संवहन ऊतक ही आए हैं। डेवलप हुए हैं लेकिन अभी तक पूरा विकास नहीं हुआ। इनमें जो जनन होता है वो किसके द्वारा होता है? बीजाणुओं के द्वारा होता है। बीजाणु यानी कि स्पोर के द्वारा होता है। ठीक है, स्पोर भी इनमें दो तरह के बनते हैं। एक तो होते हैं छोटे स्पोर जिनको क्या बोल सकते हैं हम? लघु बीजाणु, जिनको बोल सकते हैं लघु बीजाणु। और एक होते हैं बड़े यानी कि उनको क्या बोल सकते हैं? दीर्घ बीजाणु, मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर। अगर एक ही जैसे स्पोर किसी पौधे में बनते हैं तो उसको बोलेंगे हम होमोस्पोरस, और अगर अलग अलग यानी कि छोटे और बड़े दो तरह के स्पोर बनते हैं तो उसको बोलेंगे हम हेटरोस्पोरस प्लांट। ठीक है, दूसरा ये हम पढ़ चुके हैं कि प्रथम संवहनीय और स्थलीय पौधे हैं, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया। दूसरा नेक्स्ट हम देखते हैं जीवन चक्र के में इनके लाइफ साइकिल में दो स्टेज आती है। एक होती है स्पोरोफाइट और एक होती है गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट का मतलब है बीजाणुविद अवस्था, बीजाणुविद अवस्था। और गैमेटोफिटिक का मतलब होता है युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद अवस्था। बीजाणुविद में बीजाणु बनेंगे और युग्मकोद्भिद में युग्मक बनते हैं। यहाँ पे जो ये स्पोरोफिटिक अवस्था होती है ये होती है डिप्लोइड और ये होती है हैप्लोइड। ठीक है, अब इसमें आगे क्या देखते हैं? जो इसका स्पोरोफाइट होता है यही स्वतंत्र होता है और लंबे समय तक यही अवस्था ज्यादा चलती है। इसी स्पोरोफाइट में पीछे हमने देखा था ब्रायोफाइट में या शैवाल में कि जो प्लांट बॉडी थी पौधों की वो थैरॉइड प्रकार की थी। थैरॉइड का मतलब वहां पे जड़ तना और पत्ती हमें नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन टेरिडोफाइट में क्या होगा? स्पोरोफाइट में जड़ तना और पत्ती तीनों की चीजें यहाँ पर दिखाई देंगी, लेकिन जो है इनमें भी जड़े जो है वो ज्यादा
नहीं होती है, कम विकसित होती है। इसमें भी प्राथमिक जो जड़ होती है यानी कि जो शुरुआत में जो जड़ बनती है वो बहुत ही थोड़े टाइम के लिए होती है, यानी कि अल्पकालिक, बहुत कम समय के लिए होती है। ये जल्दी ही क्या हो जाती है, अपस्थानिक जड़ से विस्थापित हो जाती है, प्रतिस्थापित हो जाती है। ठीक है, यानी पहले प्राथमिक जड़ आएगी उसके जल्दी ही वो खत्म हो जाएगी और अपस्थानिक जड़ उसका स्थान ले लेती है। ठीक है, इनका तना तना कैसा होता है, इनका तना ये तो सीधा होता है यानी के इरेक्ट होता है, और तो या फिर लेटा हुआ होता है यानी के या तो वो ऐसे खड़ा होगा या फिर इस तरीके से जमीन पे लेटा हुआ होगा, या जमीन के अंदर अंडरग्राउंड भी हो सकता है, भूमिगत हो सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, राइजोम, यानी के इसको हम बोलते हैं प्रकंद बोलते हैं। ठीक है, ये हो गई टेरिडोफाइट्स के तने की बात। इनका तना सीधा होता है या फिर लेटा हुआ भूमिगत, जिसको हम क्या बोलते हैं, राइजोम यानी के प्रकंड होते हैं। इनकी जो पत्तियां होती हैं वो भी दो तरह की होती है, एक पत्तियां छोटी होती है और एक पत्तियां बड़ी होती है। छोटी पत्ती और बड़ी पत्ती से क्या मतलब है, वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये फीडर्स लाइक लीव्स होती है। फीडर्स मतलब कि जैसे कुछ इस तरीके से एक पत्ती यहाँ पे अभी इस तरीके से यहाँ पे बहुत ही गैप दिखाई दे रहा है, तो ऐसे हो जाएगा जैसे कि ये एक पंख हो। ठीक है, फीडर्स लाइक लीव्स इनमें पाई जाती है। अब पत्ती माइक्रोफिलस और मेगाफिलस हमने कैसे दिया, पत्ती बड़ी और छोटी, क्योंकि जिस पत्ती में माइक्रोस्पोर बनते हैं वो हो जाती है माइक्रोफिलस, और जिस पत्ती में मेगास्पोर बनते हैं वो हो जाती है मेगाफिलस। इसमें क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं, और यहां पे क्या बनते हैं, मेगास्पोर बनते हैं। तो स्पोर के साइज के आधार पर इन पत्तियों का माप होता है, और ये छोटी या बड़ी होती है, तो दो तरह की पत्तियां होती है। ये हो गए टेरिडोफाइट्स के कुछ कैरेक्टर्स। हमने देखा यहाँ पे वैस्कुलर बंडल्स आ चुके हैं, जड़ भी थोड़ी विकसित हो चुकी है, जनन इनमें जो है बीजाणुओं के द्वारा होता है, बीजाणुओं के द्वारा जनन होगा, स्पोरोफाइट अवस्था आएगी। इसके बाद में जब स्पोर अंकुरण करता है तो गैमेटोफिटिक फेज आती है, और वहां पे हमारे गैमेट्स बनते हैं, एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, उनमें क्या होता है फर्टिलाइजेशन। ब्रायोफाइट के जैसे इनमें भी क्या चाहिए होगा, निषेचन के लिए इनमें भी जल चाहिए होता है, निषेचन के लिए इनको भी क्या चाहिए होता है, जल चाहिए होता है। आर्चिगोनिया और एंड्रिडिया इनके गैमेट्स बनेंगे, उनमें फर्टिलाइजेशन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तब जाके हमारी नेक्स्ट स्टेज आती है स्पोरोफिटिक, यानी कि इनमें भी प्रीणी एकांतरण पाया जाता है। एक बार गैमेटोफिटिक आई, फिर स्पोरोफिटिक आई, फिर गैमेटोफिटिक आई, फिर स्पोरोफिटिक आई। तो ये टेरिडोफाइट्स हमारे कुछ कैरेक्टर्स हैं, एग्जाम्पल भी हमें साथ में लिखने हैं कि एग्जाम्पल्स जैसे कि मैंने यहाँ पे इनको एग्जाम्पल्स जैसे कि स्लेजनेला, लाइकोपोडियम, कैरिस, टेरिडियम, इसके अलावा मार्सीलिया हो सकता है, राइनिया हो सकता है। टेरिडोफाइट्स के जो पौधे होते हैं वो डेवोनियन काल में विकसित हुए थे, यानी कि बहुत टाइम पहले वो विकसित हुए थे। इनमें से आज की डेट में कुछ पौधे पाए जाते हैं जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं, यानी जो जीवाश्म हमें पौधों में पाए जाते हैं वो अधिकांश रूप से टेरिडोफाइट्स ग्रुप के ही जीवाश्म होते हैं। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, उनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।